गुड इवनिंग, सब कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मैं आज दिखाऊंगी आप लोगों को एक ज्यादा स्पाइसी नहीं, थोड़ा सा लाइट मटन का झोल। इधर मैंने 350 ग्राम मटन ले लिया है। इधर मैंने ले लिया एक बड़ा वाला अनियन और एक छोटा वाला अनियन जो मैंने पेस्ट कर लिया है। इधर है आधा टोमेटो, ज्यादा टोमेटो नहीं लिया, पेस्ट कर लिया। एंद्रो ग्रीन चिली है और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, मैं यूज करती हूँ, बहुत अच्छा होता है ये है। और ये एक आलू मैंने काट के रखा है जो बाद में देना है। मसाला तो इधर है और ये है मेरा वो घर का बना हुआ धनिया। घर का बना हुआ मीन्स वो गोटा जो धनिया होता है उसको थोड़ा सा कढ़ाई में गरम करके मिक्सी में कूट लेती हूँ। और इधर है ब्लैक पेपर जो देना है और गरम मसाला है। एंड तक आप लोग देखना क्योंकि एंड में मैंने गरम मसाला कैसे यूज करूंगी वो आप लोगों को दिखाना है। चलो बनाती हूँ मटन झोल। अभी तेल गरम हो चुका, मैंने थोड़ा डाल देती हूँ इसमें शुगर, इतना सा। अभी ले लेती हूँ एक तेजपत्ता। मैंने पहले मटन को कुछ मैरिनेट नहीं किया, डायरेक्ट यूज करूंगी। अभी अनियन दे दिया, अनियन को अच्छा तरीका से भून लेना है क्योंकि नहीं तो कच्चापन रह जाएगा। कच्चापन रह जाता है जब खाने पे, तो खाना जितना भी जितना कुछ डालो तो अच्छा नहीं लगता है, बहुत खराब लगता है। अनियन को अच्छे तरीके से फ्राई करना है। अभी देना है अदरक लहसुन का पेस्ट। डेढ़ चम्मच जैसे, एक चम्मच का डेढ़ चम्मच, एक चम्मच एंड हाफ चम्मच ऐसा मैंने दे दिया है। थोड़ा सा गैस को कम करके मसाला को अनियन को रेडी होने देते हैं। अभी देना है ये टोमेटो एंड ग्रीन चिली, दो ग्रीन चिली। टोमेटो मैंने ज्यादा नहीं डाला, थोड़ा कम डाला है, आधा डाला है, एक बड़ा का बड़ा टमाटर का आधा। अभी देना है सॉल्ट।
सब में चाहिए तो अभी बाद में देंगे। ब्लैक पेपर थोड़ा सा ढक्कन लगा देती हूँ। अच्छा, ये जो धनिया पाउडर मैं घर में बनाती हूँ, कोई ज्यादा बात नहीं है, ये वेरी इजी है। लेकिन ये अभी बारिश का टाइम है ना, अभी अच्छे से ढक्कन लगा के रखना चाहिए, नहीं तो इसका जो अच्छा खुशबू है वो चला जाता है। सो वेरी केयरफुली रखना चाहिए। ओके, अभी दूसरा मसाला दे देती हूँ। आज हल्दी थोड़ा सा ज्यादा ही देने वाली हूँ मैं। अच्छा, ये है जीरा पाउडर, ये है तीखा वाला रेड चिली पाउडर, ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हम लोगों को इतना ज्यादा स्पाइसी नहीं बनाना है। ये है कश्मीरी मिर्च एंड एक है स्पेशल गेस्ट धनिया पाउडर। ओके, चलो एवरीथिंग ओवर। मैंने तेल ज्यादा नहीं दिया क्योंकि ये ज्यादा स्पाइसी नहीं होगा, इसीलिए कम दिया है। थोड़ा सा मसाला को रेडी होने देते हैं। मसाला में तेल छोड़ना लग रहा है देखिए। पहले जो मैंने वो थोड़ा सा शुगर डाला है क्योंकि उससे कलर बहुत अच्छा होता है। और थोड़ा मसाला को रेडी करना है। इधर गर्म पानी बैठा दिया है, पानी गर्म करने के लिए डालना है। अभी मैं दे देती हूँ ये मटन को। गैस को फुल फ्लेम कर दिया है, थोड़ा सा ढक्कन लगा दिया है गैस को कम करके। अभी प्रेशर कुक करेंगे मटन को। मसाला अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है,
प्रेशर कुकर में डाल दिया है। अभी मटन को प्रेशर कुक करना है। अभी प्रेशर कुकर चढ़ा दिया है, फ्लेम अभी बढ़ा के 1 whistle देना है, उसके बाद 5 or 6 देना है। ओके, अभी मटन अच्छा तरीका से बॉयल हो गया है। अभी डाल देंगे आलू। आलू फ्राई नहीं किया है, प्लेन आलू देना है, एकदम प्लेन। अभी थोड़ा सा आलू के साथ बॉईल कर लेते हैं। अभी मटन पूरा बॉईल हो गया है आलू के साथ। मैंने बताया था गरम मसाला कैसे यूज करूंगी मैं, वो देखा तो मैं दे देती हूँ। घी डाल देती हूँ, मेरा घर में बना हुआ गरम मसाला। बस इसमें मैंने मटन को टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अभी इतना अच्छा खुशबू आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी रेडी हो गया है मटन। थोड़ा सा ग्रेवी रहेगा ज्यादा, क्योंकि ये झोल है, मटन का झोल। ये राइस के साथ बहुत अच्छा लगता है। गैस को बंद कर देती हूँ और कुछ नहीं देना है। प्लीज बना के देखो एंड मेरे को बताओ कैसे लगा। ओके, आप लोग चाहे तो रोटी के साथ भी खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बताना जरूर कैसे लगा। सब लोग अच्छे रहना, एकदम मजा में रहना। ओके, चलो सी यू, बाय बाय।